Assalamu alaikum, students of M3. How are you all? Okay, students, today in science our topic is animals and their movement. This one is unit number 3. We have done the reading. Now we have to do page number 15 in your book. Yes, this one is book page number 15. Yes, now let's revise. अब आपने इस यूनिट में जो पढ़ा था उसको एक दफा रिकॉल करना है. ये सारा जो है एक सॉर्ट ऑफ अ समरी है उस लेसन की. जी हम स्टार्ट करते हैं. डिफरेंट एनिमल्स मूव इन डिफरेंट वेज, के मुख्तलिफ जानवर जो है वो मुख्तलिफ तरीके से अपनी नकलो हरकत करते हैं, यानी कि वो चलते फिरते हैं. अब कौन कौन से वेज है वो? सम एनिमल्स हॉप, सम वॉक एंड सम रन, के कुछ जो है वो कूदते यानी के छलांग लगा के फलांगते हुए चलते हैं, कुछ वॉक करते हैं चलते हैं, कुछ रन करते हैं यानी के भागते हैं. सम स्विम इन द वॉटर, कुछ पानी में तैरते हैं. सम फ्लाई इन द एयर, के कुछ हवा में उड़ते हैं. सम एनिमल स्लिथर एंड सम क्रॉल, के कुछ जो है वो रिंगते हैं यानी के रिंग कर चलते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो रुक रुक कर चलते हैं. मोस्ट एनिमल्स कैन मूव इन मोर देन वन वे. अगेन, मोस्ट एनिमल्स कैन मूव इन मोर देन वन वे, कि बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो एक से ज्यादा तरीके से अपनी नकलो हरकत करते हैं, यानी कि वो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे. नेक्स्ट वन है, लेट्स फाइंड आउट, कि अब हमने इसमें से आपने फाइंड आउट करना है. हैव यू सीन अ क्रो मूविंग? डज इट ऑलवेज फ्लाई? ये आपके लिए क्वेश्चन है. आप इनके आंसर जो है वो सोच के रखेंगे और फिर मैं उसके बाद आपको इनके आंसर्स भी बताऊंगी. हैव यू सीन अ क्रो मूविंग? डज इट ऑलवेज फ्लाई? कि आपने क्या कव्वे को मूव करते हुए देखा है या फिर ये हमेशा उठता ही है? नेक्स्ट वन है, नेम टू एनिमल्स विच कैन क्रॉल. आप दो ऐसे एनिमल्स के नेम बताएं जो क्रॉल करते हैं. ये कौन कौन से दो एनिमल्स ऐसे हैं जो क्रॉल करते हैं? जी, क्रोकोडाइल और टर्टल, यानी के टर्टाइल. नेक्स्ट है, नेम एन एनिमल विच कैन हॉप एंड स्विम. आप ऐसे एनिमल का नाम बताएं जो हॉप करता है और स्विम भी करता है. जी कौन सा है वो एनिमल? जी वो फ्रॉग है. नेक्स्ट वन, कैन फिश वॉक ऑन द लैंड? क्या मछली पानी के ऊपर चल सकती है? नो, आपको पता ही है कि मछली कभी भी पानी के ऊपर नहीं चल सकती. नो फिश नेवर वॉक ऑन द लैंड. आपको पता है मछली को जब भी हम पानी से बाहर निकालेंगे तो वो मर जाती है, तो वो जमीन पे तो चल ही नहीं सकती. नेक्स्ट वन है, लेट्स फाइंड आउट मोर, कि अभी कुछ और चीजें हैं जिनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है या आपको उसके बारे में फाइंड आउट करना है. जैसे अ क्रोकोडाइल मूव्स बाय क्रॉलिंग, कि क्रोकोडाइल जो है वो क्रॉलिंग के जरिए मूव करता है. व्हाट अदर वेज डज इट मूव? और आप जरा मुझे ये भी बताएंगे कि और कौन से तरीके से क्रोकोडाइल जो है वो मूव कर सकता है. नेक्स्ट वन, द क्रो बटरफ्लाई एंड द पैरट कैन फ्लाई. दोबारा से, द क्रो बटरफ्लाई एंड द पैरट कैन फ्लाई. क्रो यानी के कौवा, बटरफ्लाई, पैरट तोता, ये फ्लाई कर सकते हैं, उड़ सकते हैं. व्हाट डू दे हैव इन कॉमन विच हेल्प देम टू फ्लाई, कि इनमें कौन सी चीज ऐसी कॉमन है जो इनको फ्लाई करने में मदद करती है? तो देखें, क्रो के भी विंग्स होते हैं, बटरफ्लाई के भी विंग्स होते हैं और पैरट के भी विंग्स होते हैं. तो अब इनको विंग्स जो है वो इनमें कॉमन चीज है जो इनको फ्लाई करने में हेल्प करती है. व्हाट अदर वेज कैन पीपल एंड एनिमल्स मूव? और कौन से ऐसे तरीके हैं जिनके जरिए आदमी यानी कि इंसान और जानवर जो है वो मूव कर सकते हैं? इसका क्वेश्चन का आंसर जो है आप खुद से फाइंड आउट करेंगे और फिर मुझे आंसर करेंगे, ठीक है? ये है आपका बुक का पेज नंबर 15 और आपका यूनिट नंबर 3 जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया. इंशाल्लाह नेक्स्ट अब जो है हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे.
ओके, थैंक यू।